क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन को घड़ी के साथ साथ चलने के लिए आपके दिमाग को कितना काम करना पड़ता है? हमारा दिमाग या जो ब्रेन है वो हमारे पूरे वजन का, पूरे वेट का करीब 2% यानी ओनली 2% होता है। पूरा जो बॉडी का जो एनर्जी होता है उसका करीब 20% का यूटिलाइजेशन ब्रेन करता है। ये एनर्जी हमारे खाने से हमें मिलती है, इसीलिए हमारा जो खान पान है, हमारा जो डाइट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू चेक हाउ इज आवर ब्रेन, हाउ हेल्दी इज आवर ब्रेन। रिसेंट स्टडीज बताते हैं कि ओवर जो शुगर कंजम्पशन है उनसे मेमोरी लॉस होता है, कई बार लोगों में मेमोरी लॉस देखा जा रहा होता है, और अनहेल्दी खाने का जो लिंक है वो एग्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और साथ ही साथ ब्रेन के कुछ हिस्सों के श्रृंखल से भी मिला है। क्या आपको पता है कि मेंटल पावर्स जो हमारे में, जो ब्रेन पावर्स जो हमारे मेंटल पावर्स होते हैं वो कब पीक पे होते हैं? जैसे 18 से 19 साल की उम्र के बीच हमारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड है वो शायद सबसे हाईएस्ट होता है और धीरे धीरे फिर डिक्लाइन करने लगता है। 25 साल की उम्र में करीब शॉर्ट टर्म मेमोरी काफी बेटर होती है और उसके बियॉन्ड थोड़ी कम होती है। 30 साल में जो हमारे मेमोरी फॉर फेस पीक्स यानी चेहरों को याद करने की जो क्षमता है वो 30 साल तक अच्छी होती है, धीरे 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 वो डिक्लाइन करती है। 35 साल में जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो धीरे धीरे वीकन और डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। एट बर्थ द एवरेज ब्रेन जो बेबी का जो ब्रेन होता है वो करीब 1/4 ऑफ द साइज होता है, एवरेज एडल्ट के ब्रेन का 1/4 का साइज होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रेन पहले से ही में काफी ब्रेन में पहले ही साल में बहुत सारे चेंजेस बदलाव होते हैं और वो डबल साइज तक बढ़ जाता है, और बच्चे जब तक 3 साल की उम्र तक पहुंचते हैं ब्रेन का करीब करीब 80% तक का जो उसका जो साइज है वो एडल्ट ब्रेन के 80% तक का साइज हो जाता है, और 90% यहाँ तक कि फुल ग्रोन हो जाता है 5 साल की उम्र तक। कई बार आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि 5 साल तक बच्चों को खान पान पे काफी ध्यान दें क्योंकि ये उनके काफी इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं जब उनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो रहा होता है। इसलिए हमें अपने घर में जो अपने बच्चे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से हम पोषण दे रहे हैं इंडियन किड्स को, क्या वो सही है कि नहीं, इस पे आज हमारा ये चर्चा होगी। हमारे चर्चा का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ, व्हाट इज द गुड फूड और व्हाट फूड इज गुड फॉर अ हेल्दी ब्रेन। इसके लिए चर्चा के लिए हमने आज कुछ पैनलिस्ट बुलाए हैं। जैसे आप जानते होंगे हमारा ये जो शो है सेहत की बात करिश्मा के साथ, उसमें करिश्मा शाह जो एक हेल्थ और फिटनेस कोच है और साथ ही साथ वेट लॉस एक्सपर्ट है वो हमारे साथ शामिल है, और साथ ही साथ डॉक्टर नीता नायक, शी इज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स इन एपिलेप्सी न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, और वो एक EN1 न्यूरो की फाउंडर डायरेक्टर और इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर नीता को करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है प्राइवेट प्रैक्टिस में और उन्होंने काफी बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर्स और इन चीजों के लिए ट्रीट किया है। हाय, वेलकम टू ऑल इन सेहत की बात करिश्मा के साथ शो। आज का जो शो का जो हमारा टॉपिक है जैसे मैंने बताया फूड फॉर अ हेल्दी ब्रेन। सो टू स्टार्ट विद डॉक्टर अनीता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से हमारा जो फूड है हमारे ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करता है, यानी हमारा जो खान पान है वो हमारे दिमागी का जो दिमाग की ताकत है या जो उसका हेल्थ है, स्टैमिना है, उसको कितने हद तक अफेक्ट कर रहा होता है? हमारा जो फूड है या न्यूट्रिशन है वो हमें बैलेंस रखना चाहिए, जो किसी भी ऑर्गन के लिए हो, या इट इज फॉर आइदर इट इज फॉर ब्रेन, लिवर, हार्ट, जिसकी किडनी, जिसके लिए भी हमें बैलेंस रखना है। और जो स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट हमें कंज्यूम करना है वो स्टैंडर्ड परसेंटेज हमें मेंटेन करना है ब्रेन के लिए ऑल्सो। Brain also needs vitamins and minerals, plenty of water. So there is no specific food which we say that okay, that because for your brain you need this, या आपके heart के लिए इसकी जरूरत है, या आपके liver के लिए इसकी जरूरत है, या kidney के लिए इसकी जरूरत है, ऐसे कोई food नहीं है। हमारा जो balanced meal है, हम जो सालों से खाते आ रहे हैं जिसमें हम हर तरीके की चीजें include करते हैं और variety include करते हैं, variety हो, कलर्स हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो, ये हर चीज हमारे जैसे बॉडी में हर सेल के लिए और ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स के लिए न्यूट्रिशियस है। ऐसा माना जाता है कि लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स आर यूजफुल फॉर ब्रेन क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, बनाना
ब्रेन के लिए अच्छा है क्योंकि उसके वजह से कंजप्शन से सीरोटोनिन रिलीज होता है। व्हाइट राइस अच्छा है जिसका एसोसिएशन सीरोटोनिन के साथ है। बट आई रियली थिंक इफ यू जस्ट हैविंग, अगर आप बैलेंस मील खाते हो जी तो बैलेंस मील से हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें मिल जाती है। करिश्मा, आप बताएं कि किस तरह से हम अपने खान पान में चेंजेस ला सकते हैं, या किस क्या सच में फूड अफेक्ट करता है ब्रेन हेल्थ को? अगर ऐसा है तो किस तरह का फूड ब्रेन पावर को और मेमोरी को और शार्प करने के लिए हेल्पफुल है? Firstly, it's a pleasure to be here with Dr. Neeta also. And of course, it's Neeta as usual. As rightly as Dr. Neeta has mentioned that yes, a balanced meal is absolutely essential for every individual. It could be any age group. That's very, very important to have a complete balanced meal, incorporate colors, eat fruits, vegetables, everything. However, I do feel that there are some points that I want to speak about, which are very necessary to speak about at this point. We need to understand that with a lot of incorporation of food, we can incorporate a lot of things. We can eat this also, we can eat that also as per the season variety. But we also need to focus on the part where what we are eating and how is it affecting our neurotransmitters, how is it affecting our brain health and our gut health. I'm sure doctor will agree that, our gut is our second brain. And if our gut is inflamed, if there is an inflammatory condition in our gut, it automatically transitions into our mind. So I've seen it with my patients, I've seen it with my clients, and I've also seen it over a lot of research and data that I've gone through, that, if your diet is inflammatory in nature, which means that if you're eating high contents of fat, any fatty product, and you're eating a lot of that, you're smoking a lot, you're drinking a lot, you don't have any natural intake of antioxidants, you're not eating the essential grains like, the doctor mentioned rice, fantastic, fruits like bananas, grapes, it could be everything, seasonal fruits, right? Berries, all our local Indian berries, the amla, the kala jamun, everything. So if we're not incorporating these essential seasonal, foods which reduce our inflammation in our body and our gut, automatically we are seeing conditions around us which are now transitioning into anxiety issues, which are now transitioning into brain fog issues, zero focus from children because they're sitting in front of the screen the whole day and they can't focus on their studies at the moment, right? And because you're sedentary, you're sitting all the time, you're not eating something which is, meant to be easily digested, you're feeling lethargic, you're feeling sleepy, your brain, you're almost feeling like you don't want to do this the entire day. राइट तो आई थिंक कि ये जो एक हम जो खा सकते हैं उसके ऊपर तो हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए, बट आई ऑल्सो फील लाइक हमें इसकी बात करनी चाहिए कि हम क्या नहीं खा सकते, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अभी इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर आपके गट में इन्फ्लेमेशन कम होगा ऑटोमेटिकली आपके माइंड में भी इन्फ्लेमेशन कम होगा. सो यू नो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक ऑडियंस का सवाल यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी. उनका ऐसा, शी इज अ मदर ऑफ अ 10-year-old kid. उनका ऐसा कहना है कि क्या बच्चों को हम बीट पास्ता दे सकते हैं कि नहीं, दैट इज सेमोलिना, बिकॉज उनके बहुत जगह लोग कहते हैं कि ये हेल्दी होता है. हाउ करेक्ट इज दैट? यस, you know, I would like to give my points and then I would definitely like Dr. Neeta to be able to, elaborate on what I say. Wheat and wheat products are inflammatory in nature. If you consume this, agar hum gehun ki roti, hum gehun ka pasta, ya, anything jisme gehun maida hota hai, agar hum ek mahine mein usko proportion karke 2 se 3 baar agar hum kha rahe hain as a treat, right? Like a happy occasion, once in a while kind of thing, it's absolutely okay. There's no problem with it. But now what happens with children, and I've seen this because, I'm sure doctor has seen huge amounts of, little children who've come to her also, what happens with kids is, they start forming like addictive nature towards favorite foods. They have this very strong emotional connect with foods after a certain while. So, when you start giving your child pasta every single night for dinner, a mother is going to be exhausted after a while, All the women these days are multitasking, they have to handle a lot of things. So at the end of the day, if the mother or, the mother-in-law or whoever is preparing the food, right? If she is exhausted and the child is only asking for continuous emotional support through pasta, she's going to be able to give it to the child. She just wants peace in the household, right? So wo bana ke de degi. But every day or 4 times, 5 times in a week, if you're only going to be having wheat-based pasta for dinner, right?
it's going to cause inflammation in your body. It causes gut intolerances also, wheat intolerances, gluten intolerances moving forward. You know, I meet every third or fourth patient I meet, you know, I come to know through, of course, our, you know, consultation analysis. But we also get a DNA testing done. We have nutrigenomics now. We also get testing done, you know, to make sure that we're accurate about things. And we realize that every fourth or fifth person is gluten intolerant now. They don't even know this. And they have a whooping cough issue. They have digestive issues where they've suffered from IBS for a very, very long time, you know, acid reflux issues. They all complain that we sleep at night, so we get a lot of acidity, you know, heart starts palpitating. We don't like that feeling. So this is something where I'm saying where, you know, the children also, you know, they can benefit from this, where variety, as doctor said, you know, include variety. Give the child pasta once in a week. It's absolutely okay. But make sure that it's not becoming an emotional addiction for the child to be able to go to it every single day or every third day or fourth day, you know. डॉक्टर नीता, बहुत सारे, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. बहुत सारे मदर्स जो भी बच्चों को फीड कर रहे होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है कि कई बार बच्चे अपना ही फेवरेट फूड खाना चाहते हैं. जैसे कि एक और हमारा सवाल है यहाँ पे, शी इज अ मदर ऑफ 6 year old और उसका बच्चा जो है वो हमेशा बाहर खाने की जिद करता है या फिर भूख नहीं लगने की और बहाना बना करके फिर नहीं खाता है. एंड देन फाइनली शी नीड्स टू मेक जंक एट होम बट स्टिल शी इज ऑलवेज एट गिल्ट. तो इस इन तरह के पेरेंट्स को हम लोग कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज एट लाइक एट द एंड ऑफ द डे वी ऑलवेज वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बी हेल्दी एंड सबके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे जो है वो टैलेंटेड हों, कुछ भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स में हो या पढ़ाई में हो, तो अच्छे हो. तो उसपे ब्रेन काफी बड़ा रोल प्ले करता है. तो डॉक्टर नीता, आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे कि चॉइस इज नॉट कि जंक खाना है या घर में खाना है या जंक घर में बना के खाना है, बट द मदर विल हैव टू बी क्रिएटिव. थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि जैसे कि अगर कोई चीजें जो है जो मदर देना चाहती है और बच्चा मांग रहा है, समझो बच्चा मांग रहा है नूडल्स, तो ऐसे नहीं है कि नूडल्स अगर खाएगा तो घर में बना के अगर मम्मी देगी तो नेसेसरीली वो अनहेल्दी होगा. उसे नूडल्स ऐसे तरीके से बना के दीजिए कि उसमें थोड़ा सा प्रोटीन हो, थोड़े से कलर्ड वेजिटेबल्स हो, थोड़ा ऑयल और फैट कम हो. और अगर पहले से ही आदत डालते वक्त अगर आप उसे इन चीजों के मसाले या ऑयल की आदतें कम डालोगी, और अगर आपने डाली है तो बाद में धीरे धीरे आप कम करोगी, तो आप बहुत सारी चीजें घर में बना के दे सकते हैं जो रिजेंबल करती है बाहर की चीजों को, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है. और उसमें आप जैसे कि भेल हुआ, ऐसे जरूरी नहीं कि बाहर का भेल खाइए, आप उसको स्प्राउट की भेल बना के दे सकते हैं. उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी ला सकते हैं, उसमें थोड़े आप अनार डाल सकते हैं, या हर हर चीज का जो आप नाम देते हो और जो उसके कंटेंट होते हैं, अगर आप इंश्योर करते हैं वो कंटेंट हेल्दी है और उसको इंटरेस्टिंग बना के लिए आप कुछ और ऐड करते हो, तो जरूर मुझे लगता है कि बच्चे उसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट करेंगे. और अगर बच्चों का सेकंड पॉइंट है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन अगर है, थोड़ा सा बच्चों के साथ आप डिस्कस करो कि आपको क्या पसंद है बेटा, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर अगर और ये बाहर वाली चीज पसंद है वो किस तरीके से आपको हार्म करेगी, और इसके बदले में मैं आपको क्या अल्टरनेटिव दे सकती हूँ. इफ यू मेक, अगर बच्चों को आप डिसीजन मेकिंग का पार्टनर बनाते हैं तो बच्चे भी एम्पावर्ड महसूस करेंगे, और अगर वो एम्पावर्ड है टू मेक राइट डिसीजन, ह्यूमन बीइंग हैज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. मीन्स हर आदमी, हर जीव को ये है, मालूम है कि खुद को गार्ड कैसे करे, और देयरफॉर वो सही चॉइस करने में आपकी मदद करेगा और आपको आल्सो सही चॉइस करने देगा. अगर ये चीज में थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट विद द चाइल्ड और किस तरीके से आप उसको बताते हैं ये भी जरूरी है. और अगर बच्चे को थोड़ा कुकिंग में आप इन्वॉल्व भी करते हैं, थोड़ा कटिंग दे दो, थोड़ा सा जो आसान चीजें दे दो. अभी तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में हैं, बच्चों को भी कुछ अलग अलग चाहिए, उसको थोड़ा कुकिंग बच्चों के चिल्ड्रंस रेसिपी दिखा. आई एम श्योर द चाइल्ड, यू नो, बच्चा आपके साथ मिलकर अच्छी चीजें खाने की सोच बढ़ाएगा. बिल्कुल डॉक्टर नीता नायक, जैसे कि आप न्यूरो डेवलपमेंट इश्यूज पे काफी काम कर रही थी, आप काफी क्लोजली बच्चों को ट्रीट कर रही हैं, 20 सालों का आपका एक्सपीरियंस है. मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि जो सोशल इंट्रैक्शन होता है वो कई बार डिप्रेशन और स्ट्रेस को काफी हद तक दूर करता है. जैसे कि डिप्रेशन और स्ट्रेस जो कि बहुत बड़ा कारण है मेमोरी लॉस के,
तो जो सोशल इंट्रैक्शन होता है यानी लोगों से बात करने का जो हमारा ये है इंट्रैक्शन that helps in actually reducing depression and stress and so many other factors. Research bhi ye batata hai, ye confirm karta hai ki jo brain ki jo atrophy hai, it remains socially active. Aap agar opposite effects and strengthens the health of your brain. Yani agar aaj ki jaise hum younger generation ki baat kare, wo actively involved hai virtually social media pe. Kai tarah ke social media platforms pe involved hai. Yani unki interactions to ho rahe. Fir bhi kai baar in young bachchon mein खासकर एडोलेसेंट एज में डिप्रेशन एग्रेशन और छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा हो जा रहा है वो काफी इजीली देखा जा रहा होता है. तो जहां एक तरफ ये स्टडी ये थ्योरी बता रही होती है कि भाई सोशल इंट्रैक्शन वुड हेल्प यू वार्ड ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग दैट वे फॉर आवर यंग जनरेशन. सो व्हाट माइट बी द रीजन? मुझे लगता है कि जैसे कि आपकी जो बच्चे तो प्राइमरी केयर गिवर बच्चे के तो पेरेंट्स ही है और इमीडिएट फैमिली ही है. और अगर द इमीडिएट फैमिली और पेरेंट्स के रिलेशनशिप बच्चों के साथ अच्छे हो और वो बच्चे उनको समझ सके, उनके वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस में बच्चे किस तरीके से बदलते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनकी सोच क्या है, अगर बच्चों का कनेक्ट आपके साथ अच्छा हो और अगर आप बार बार उनको उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नेगेटिविटी और जजमेंट ये तीनों अगर डालते नहीं हो, आप उनको उनका फ्रीडम दे रहे हो और नॉन जजमेंटल आप रह सकते हो. और जो भी पेरेंट्स हैं नॉर्मली जो हमारा बिहेवियर इट इज ऑलवेज जजमेंटल, वी जनरली स्टार्ट जजिंग पीपल बिफोर इवन स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन. इवन अ चाइल्ड एज यंग एज एक साल का जो बच्चा है और जैसे हमारे पास जो आते हैं बच्चे ऑटिज्म के हुए या एडीएचडी के हुए और स्पीच डिसऑर्डर के बच्चे आते हैं, इन बच्चों में भी अगर पेरेंटिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए ताकि यू ब्रिंग आउट द चाइल्ड्स बेस्ट, इस पे भी हम एक दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं और इसमें भी स्ट्रेटजीज है. सो इन शॉर्ट हर स्ट्रेटजी में यही कहा जाता है कि अगर आपको यू वांट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड, द बेस्ट थिंग टू वर्ड्स आर देयर, रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग एंड सेंसिटिव पेरेंटिंग. आप जितने सेंसिटिव हो और जितने रिस्पॉन्सिव हो और जितने लेस डायरेक्टिव हो, ये कर वो कर वो मत कर वो मत कर ऐसा कर ये मत खा वो मत खा नीचे बैठ खड़ा रहे अभी सो अभी उठ, दैट इज डायरेक्टिव पेरेंटिंग. एंड रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव पेरेंटिंग इज एनकरेज हिम, प्ले विथ हिम, बी हिज पार्टनर, work with him, little bit enhance him and enjoy with him. If he is a difficulty, help him. If he is enjoying, be happy with him. अगर आप ये कर सकते हो तो फिर वो बच्चा जब आपको पार्टनर के रूप में देखता है तो और बच्चा आपसे कनेक्टेड होता है तो अगर adolescent एज में वो स्ट्रेस भी महसूस करता है तो भी वो आपके पास हर वक्त कनेक्टेड रह के उसके स्ट्रेसेस आपको बताएगा और कोई भी गलत चीजों की तरफ नहीं जाएगा. तो पेरेंटिंग जो हम सोचते हैं बहुत ज्यादा डायरेक्टिव, सॉरी बहुत ज्यादा डायरेक्टिव पेरेंटिंग है. यानी अगर उसने थोड़ा सा कोई पजल में ब्लॉक लगा दिया और गलत कर दिया, हम थोड़ा सा अलग से लगा दिया, हम इमीडिएटली करेक्ट करते हैं. और हमारे इसमें पेरेंटिंग एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है, आगे जाके क्या होगा, कौन से स्कूल में पढ़ेगा, करियर क्या करेगा, फर्स्ट आएगा कि नहीं, ये करेगा. अगर हम थोड़ा बाजू में रख सकते हैं और जस्ट एंजॉय ज्यादा कर सकते हैं तो हर बच्चा इज गिफ्टेड इन हिज ओन वे ऑफ जीन्स. एवरीवन इज बॉर्न विथ हिज ओन जीन्स, सेट ऑफ जीन्स, सबके पास उनके जीन्स हैं और जो जीन्स के साथ उसके साथ आया ना, हम उसे कुछ कर नहीं सकते, हम निकाल भी नहीं सकते और डाल भी नहीं सकते. वो जीन्स उसके उसको डायरेक्ट करने ही वाले हैं, जीन्स ही बताने वाले हैं वो क्या होगा. हम उसको जस्ट जीन्स और हम उसका एनवायरमेंट है और हम भी वही जीन्स हमारे पास भी है तो उसका हमारे पर और उसके ऊपर हमारे जीन्स का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि अगर हम समझते हैं कि हम जमीन आसमान का फर्क कर सकते हैं और हमें इस बच्चे को ये बनाना है तो बहुत ज्यादा गलत है. हम बना चुके हैं, जब आया ना बाहर तब वो बन के ही आया है 70%. हमें जस्ट 20-30% करना है और वो 20-30% में अगर 10-15% आप बहुत हैप्पीनेस दे रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, रिस्पॉन्सिव रह रहे हो तो अपने
आपका 100% कर दिया। तो बहुत अच्छी बात की डॉक्टर नीता आपने कि बच्चे जो आ रहे हैं वो अपने 70% जीन्स अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके साथ ही आ रहे हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स उन्हें रीमॉडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कई बार उन्हें करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनमें कई बार उनकी जो क्रिएटिविटी है या जिस फील्ड की तरफ वो शायद ज्यादा बेटर कर पाए वो दब जाते हैं और उन्हें हमेशा एक स्टीरियोटाइप्ड वेज की तरफ आगे किया जाता है। करिश्मा, यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसा हमने एक रिसेंट मूवी में भी देखा था, आमिर खान ने बोला था कि भाई सब पेरेंट्स को अपने यहाँ टॉपर्स उगाने, मींस एवरी पेरेंट वांट कि भाई मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट हो, फर्स्ट ही आए, लेकिन फर्स्ट को एक ही आता है, सब नहीं आते, लेकिन ये पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, कई बार ये बहुत प्रेशर भी डालते हैं बच्चों पे, इसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स काफी ढूंढते हैं कि भाई किस तरह से हम अपने बच्चों को अच्छा खाना दें। अगर आप भी नेट पे सर्च करोगे आपको भी बहुत सारे ऐसे फूड्स मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि ब्रेन के लिए ये फूड्स बहुत अच्छे हैं। करिश्मा, इनसे कुछ फूड्स का मैं नाम बता रही हूँ जो बोल रहे हैं कि बहुत बूस्ट करते हैं आपके ब्रेन को और मेमोरी को, जैसे फैटी फिश है, कॉफी, ब्लूबेरीज हो गए, टर्मरिक, ब्रोकली हो गया, पम्पकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट और नट्स, नट्स जिसकी बातें आप हमेशा क्या करते हैं। तो बीइंग अ डायटिशियन, आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे, क्या इस तरह के फूड्स कितने हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं उनके बच्चों के गुड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए? हर एक बच्चा जैसे कि पहले से अगर मोल्ड करके आता है, जेनेटिक्स भी उसमें प्ले करता है, जस्ट एज राइटली डॉक्टर हैज सेड, बट आई ऑल्सो फील लाइक एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फियर्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। तो अगर हम एज अ पेरेंट, यू नो, इफ द पेरेंट इज ट्रेन्ड टू बी एबल टू लर्न द चाइल्ड्स कम्युनिकेशन स्टाइल एट अ वेरी यंग एज, the parent learns what my child's strengths are, what my child's weaknesses are, and what is it that my child fears a lot. अगर इसकी जानकारी parents को पहले से हो गई तो उनका जो automatic उनके साथ व्यवहार है, बच्चों के साथ communication style है, कौन सी चीज में encourage करना है, कौन सी चीज में इतना push नहीं करना है, force नहीं करना है, अगर ये एक automatic change आ गया parents में, parenting style में, तो automatically वो जो sensitivity की हम बात कर रहे थे वो sensitivity दिखने लगती है। हम sensitivity की बात करते हैं पर वो दिखाना कैसे है? We grew up in a generation where our parents were so scared of emotionally expressing themselves, you know. Till today, I have seen my own parents not being able to be very comfortable opening up and sharing their emotions, you know. But when we do become that, those, the next generation coming forward, you know, when I become a parent also, I would want to be emotionally vulnerable in front of my child. I would be able to emotionally connect with my child and tell the child that it's absolutely okay to be emotionally vulnerable. And the strengths, weaknesses, the fears, the communication style plays a very big role in this. अगर हम समझ पाएंगे तभी जाके हम correct way में बच्चे तक पहुंच पाएंगे. After this, the foods that you just spoke to me about, of course we have to incorporate, you know, all the things that you just said. But realistically, हम इंडिया में हैं, हम ब्लूबेरी नहीं खा सकते, हम ज्यादा डार्क चॉकलेट भी नहीं खा सकते, हम एवोकाडो और ये सब चीजें नहीं खा सकते. So we have to stick to our own daily local regional produce. So what is it that a child is supposed to be eating? Okay, so number one is different kinds of millets. All the kinds of millets have their own personal properties. Ragi ho gaya, amaranth ho gaya, jowari, bajra, sama, there are a huge variety of millets. So make sure that your child at a younger age starts developing a taste for millets and then they start incorporating it in their daily food. The second thing is, of course, main jab hamesha baat karti hu, main nuts aur seeds ki baat karti hu, because हमें हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड, हमें एसेंशियल गुड फैट्स, यू नो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो विटामिंस, वी गेट ऑल दीज थिंग्स थ्रू इनकॉर्पोरेटिंग आर नट्स एंड सीड्स इन आर डेली डाइट। बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे बैठ के, दे विल नॉट ईट 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स इन अ सैलड, यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ अ चाइल्ड। सो इनकॉर्पोरेटिंग सीड्स एंड नट्स इन अ हेल्दी स्मूदी, टेस्टी वन, यमी वन, यू नो, चॉकलेट फ्लेवर्ड वन प्रोबेबली, बनाना डाल दिया उसमें, ओट्स डाल दिया, नट्स सीड्स डाल दिए उसमें, it becomes like a treat for the child, right? Making, you know, laddus of very nice mixture of nuts and seeds, usme humne thoda cranberries dal diya sweetness ke liye, raisins dal diya humne sweetness ke liye, you know, dates dal diya humne, all these are fun ways of incorporating all these essential micro minerals and vitamins in our daily diet and omega 3 fatty acids. To ye sab incorporate karna bahut zaruri hai. Or, you know, one thing that I feel ke हर एक पेरेंट को धीरे धीरे यंग एज से ही चालू करना चाहिए इज फ्रूट्स, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी किड्स ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स
फ्रूट्स अच्छे ही नहीं लगते उनको. एक सर्टन कैटेगरी होता है बच्चों का जो बहुत बहुत इजीली फ्रूट्स खा लेते हैं. एंड 80% ऑफ देयर आर किड्स हु डोंट लाइक टू ईट फ्रूट्स एट ऑल. यू गिव देम अ फ्रूट एंड दे विल बी लाइक नो आई डोंट वांट टू ईट फ्रूट यू नो. तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करें छोटे एज से, छोटे छोटे पोर्शंस में, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट डेवलपमेंट होगा. शुगर की तरफ इतना नहीं बढ़ेंगे वो. अगर शुगर का क्रेविंग आया उनको और उन्होंने एक फ्रूट उठा के खाया आपके सामने, यू वन एज अ पेरेंट ओवर देयर. You've absolutely won as a parent over there, because they did not go for a sugary treat, but they actually went for a fruit and they ate it. Yes. So I think these are some food categories which, if you start incorporating at a young age in children, it helps their brain development and leads them towards a more healthier lifestyle in the future. Karishma, यहाँ पे कुछ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि जो supplements हैं, like a combination of vitamin C and vitamin D, या जैसे fish oil हो गया या omega 3 fatty acids जिसका भी आपने जिक्र किया, ये सब कितने beneficial है brain health के लिए? क्या लोग जो supplement ले रहे हैं, how useful is it? So supplements is a whole it's a very big topic, and I feel like supplements should be taken as a supplement. इसका नाम ही supplement है क्योंकि उसको छोटे quantity में side में लेना होता है. हमारा जो डेली डाइट होता है वो अगर हम अच्छे से खा रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. चिल्ड्रन ऑल्सो आई फील एट अ वेरी यंग एज स्टार्ट देम ऑन अ मल्टीपल यू नो रेजीम ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. यस, इफ देयर इज अ मेडिकल कंडीशन देन देयर इज अ नीड टू इंटरवीन विद अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स. बट इफ देयर इज नो मेडिकल कंडीशन, योर चाइल्ड इज एब्सोल्युटली हेल्दी. खाने में अगर आप वैरायटी में अगर एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज करके उसको देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा. विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन डी. आजकल क्या होता है कि बच्चे बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड एवरीथिंग. दे कांट गो आउट, दे नॉट हैविंग दोस काइंड्स ऑफ सन एक्सपोजर, फिजिकल एक्टिविटीज. सो आई थिंक द मैक्स दैट यू कैन गो टू इज स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग अ हेल्दी विटामिन डी सप्लीमेंट, मे बी इफ इट्स नीडेड फॉर योर चाइल्ड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, चिल्ड्रन डोंट नीड टू मेनी सप्लीमेंट्स इफ देयर इज नो मेडिकल इशू. स्लोली विद एज व्हेन दे मूव अहेड, they will be exposed to a lot of things and eventually they'll want to take whatever decisions they want to take with health. But jab tak kam kar sake uska usage, utna better rahega. Aur jab aage jaake nutritional deficiencies, when they're 30s and 40s and they have to incorporate all those things, that's when they can actually start their supplements. Bilkul. Ek aur sawal puchungi ki jaise soda aur jo sugary drinks hai, जो जनरली ये बच्चे काफी पसंद से ले रहे होते हैं, वो भी कंसिडर टू बी वर्स्ट फॉर ब्रेन, यानी हमारे दिमागी विकास के लिए बहुत ही खराब माना जाता है. ये कितना सच है? क्योंकि इस इन इन जो भी ड्रिंक्स है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, खासकर जो ओवर स्वीटेंड शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, उसमें एक तरह का शुगर पाया जाता है, फ्रुक्टोज, जो उसका माना जाता है कि वो कई बार ब्रेन के कुछ हिस्से, यानी हमारे दिमाग के कुछ सर्टेन पार्ट्स को साइज में स्मॉल करने का इफेक्ट करता है ब्रेन पे. तो how true is it? Absolutely true. I also feel like, you know, at this point, I would like to ask, because it's very important, I would like to ask Dr. Neeta also to kind of, you know, agree or disagree probably, that, you know, because she deals with so many kids, she mentioned this, you know. Ask her. So Dr. Neeta, jaisa sugary drinks hai, jaise bahut sare bacche, even bade, sugary drinks ko bahut pasand karte hain, aur kahi log to isse roz ke basis pe, daily apne रूटीन में शामिल करते हैं. ये कितना खतरनाक हो सकता है? और जो ब्रेन की श्रिंकेज की बात की गई है कि वो दिमाग के कुछ सर्टेन पार्ट्स को साइज में छोटा करते हैं, ये कितना हद तक सच है? सो शुगरी ड्रिंक्स, द मेन थिंग दैट वी एटलीस्ट रेकमेंड इज दैट इट कैन गिव राइज टू अ लॉट ऑफ इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी. सो ओवरऑल एज सच, शुगरी ड्रिंक एंड सडन स्पाइक ऑफ ब्लड शुगर इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ. But especially if the child has ADHD or attention deficit hyperactivity disorder, then we strictly ask the family that not to give sugary drinks or too many chocolates, etc. But at the same time, you can just balance it out and give him one post-dessert meal, which maybe a small chocolate he can have if he's fond of sugars. But otherwise, it needs to be controlled. That is one answer to your first question. Second, as you said, it shrinks the brain size. As far as I know, I've not researched this topic, whether it shrinks. But over or excess of anything like sugar may cause some harm. But one of the well-known, the really proven and used thing is the attention deficit hyperactivity disorder. So even if the child does not have disorder,
But if the parents come to you saying that he is inattentive, then we'll have to find out that is the family giving too much of sugar. And then we can correct the diet if necessary. Other couple of things I just want to add to what Karishma said and what she said was right. And what I would like to add is that there are a few things like vitamin D. We find a huge vitamin D deficiency whenever we see children with. See, we essentially as doctors see children with disorders. We don't see normal children so many. At least I don't see. So yes. Vitamin D is low. So supplementing children with vitamin D is needed often, at least to those children who are on, who come to me on anti-epileptic drugs. We have to monitor their calcium, vitamin D, and we do supplement. As a standard thing, very large number of children are anemic. And it is well known, well proven, well documented and researched that low hemoglobin can give rise to inattention and decrease ability to focus. So ensuring that the child's hemoglobin, basic, these are absolute basic things, hemoglobin, calcium, vitamin D, and of course, vitamin B12. At least these four things should be normal in all the children. So whatever food supplements are required for, you know, ensuring that these remain in normal range, the family should adopt in the child's diet. Yes. I won't supplement, but supplement if he is on say anti-epileptic drugs or if he has child with autism, we always give omega-3 supplement. So these are special. Yes. I was just coming to that actually, doctor. What I was going to ask you was that, you know, these special cases of children, right? Which is, you know, ADHD kids, kids who have autism, kids who have, you know, epileptic issues, right? So all these kids, they actually have to be, they need to be monitored as far as their diet is concerned. Because, you know, as you correctly mentioned, if there is an extra dosage of sugar in some of them, it could create an insulin spike. If there is, you know, unmonitored, or if you're not figuring out that there are some nutrients that they're not getting, it could result in more complications with these children. So I was just on the same path where I was trying to tell you, ask you that, you know, because you deal with these kids on a daily basis, is it true that, you know, we as dietitians, because we're very particular about these things, that when a child with a certain disorder comes in, we make sure that there are certain parameters in check, because we know that certain requirements are there for special need children. And that is when they will be able to function more better in their daily life. And their quality of life will also become better for them and for the parents also. Yeah, so I didn't get your question. That do you need to? Yes, so like, you know, a more monitoration of what they are eating. How is it that they are monitoring their sugar levels? What are the kind of nutrients that they have in their food? So I think it's something which is supposed to be taken care of more in the need of special need children, rather than, you know, just like other normal children would be, they would be monitored. Maybe 50% is okay if we kind of obsess over it. But I think special need kids need to have a certain protocol that they need to follow, so that nothing, they don't end up getting kind of shock. So Karishma, actually as such, it is that if you, the children who are with, children with epilepsy, who are on anti-epileptic drugs, the thing we are supposed to monitor is vitamin D in these children. Because a large number of anti-epileptic drugs are known to reduce the vitamin D. And if there is a decreased vitamin D and therefore decreased calcium, the chances of seizure precipitation can be slightly higher. And the effect of anti-epileptic can be less. So these are the things we routinely monitor in these children. Alternatively, in children, say, let's take a child with autism. Now, if a child with autism is there, though everyone means, see, as medically, if you ask me, I won't recommend that every child of autism go on GFCF diet. There's enough proof to say that every child of autism needs a GFCF diet. GFCF means gluten-free, casein-free diet, I'm telling the organizer. But if the child, say 1% of autism children may have associated say gluten sensitivity, that yes. You can prove doing an antibody test, and you can have some kind of diarrhea. So if you have a proof that the child has some kind of sensitivity, then I would say go on a gluten-free, casein-free diet. Alternatively, if the parents are you know, have read a lot and they say no, I want to try, then okay, fine, try, compare your 3 months of diet without diet. And then you see whether it works, because getting into unnecessary dietary restrictions can also be harmful. It is not only harmful from the point of view of child's health, but also you are wasting your energy on something which may not be useful. So, you know, you already have a child with special needs. You have only
limited energy. So spend it on something which is rational, which is proven, and which is useful. Definitely. Similarly, keto diet, for example, ketogenic diet is a well-known therapeutic approach to children with refractory epilepsy, which we always, or modified Atkins. I use modified Atkins, I use keto, but the child has to have refractory epilepsy. You know, if my child has one seizure in 3 months, which is responding to anti-epileptic, why would I put him on ketogenic diet? Because the amount of hassle it is, and therefore the quality of life that will deteriorate of the family, of the mother, it's not proportionate. So everything has a very specific indication. Diet is like a drug in neurological disorder. I will give a drug after thinking 100 times whether it is necessary or not. Same thing is true for diet. So it's not like top of my head, okay, you add this diet also, you take drug also, it's fine. That's not the way it works. I mean, we have to do at the end of it, protocol-based and evidence-based treatment, both. So when we have evidence, on literature evidence, we will do. If not, then we will not recommend. I mean, that's the standard practice that we practice approach that we have. Thank you, yes. So I think our audience would be definitely having a good time, especially parents who have young kids who are obsessed with having a very good quality food for their children. But the basic facts, as we discussed in the beginning, let's not stick to those things ki bhai ye cheeze hamare bachcho ke brains ke liye best hai. As Karishma rightly said, that most of the things are not available in India, in rural regions. So let's stick to the basic colorful palette, what you can offer. जो आप अपने घर में खुद से कुक करके अपने बच्चों को दे रहे हैं वो बिल्कुल ही अच्छा और पौष्टिक खाना है. बिल्कुल उनके साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वुड बी नेचुरली नीड्स टू बी इन्वॉल्व, बट यस डेफिनेटली इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, सो दैट द चिल्ड्रन ऑल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू. थैंक यू सो मच डॉक्टर नीता नायक एंड करिश्मा शाह फॉर ज्वाइनिंग अस एट सेहत की बात. आई डेफिनेटली होप दैट द ऑडियंस वुड फाइंड दिस कॉन्टेंट ईजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड दे वुड बी अप्लाइंग सम quick tips from our panelists. Thank you so much. Thank you.